नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत अभिनंदन है सोशल बलोनी पब्लिक स्कूल के शानदार मैदान में, जहां पर की चल रहा है टर्ट्स उत्तराखंड आर्टिस्ट प्रीमियर लीग। आप सभी का स्वागत अभिनंदन। कोरोना के बाद पहला टूर्नामेंट, यूं मान के चलिए कि मजा आने वाला है बस। और आप देख रहे हैं यहां पे ये जो खिलाड़ी अभी नेट अभ्यास कर रहे हैं, और उसके बाद एक बहुत बेहतरीन क्रिकेट टूर्नामेंट होने वाला है। वाकई है तो आर्टिस्ट, लेकिन ये जो अभ्यास कर रहे हैं इससे लग रहा है कि इनके अंदर एक बेहतरीन खिलाड़ी भी जरूर छुपा हुआ है। पिज़ा इटालिया यहाँ पे, और ये देखिए कि सभी सेंट्राइज हो रहे हैं यहाँ पे। ये बहुत ज़रूरी चीज़ हो गई है आजकल, आप खेल में जाएं, किसी सोशल गैदरिंग में जाएं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। और दोनों ही अंपायर हैं, देखिए उनके कार्यों को आप, सभी खिलाड़ी अपने आप को सुरक्षित कर रहे हैं एक्चुअली। और यही सबसे बड़ी चीज़ है कि कोविड अभी गया नहीं, हालांकि बहुत हद तक हमने उस पर काबू पा लिया है, लेकिन जब तक पूरी तरीके से हम विजय नहीं पा लेते, तब तक इस प्रकार के जो भी सोशल गैदरिंग हो, उस पर सैनिटाइजर हो या फिर सोशल डिस्टेंसिंग हो, सब चीज़ का ख्याल रख। कि जो पूरी तरीके से दिख नहीं रहे हैं, लेकिन आप हल्का सा उन्हें देख सकते हैं। और बाकी यहाँ पे भारत माँ की जयकारा यहाँ पे फिलहाल लगता हुआ, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। हम जिस राष्ट्र के लिए खेल रहे हैं, जिस राष्ट्र में हम रह रहे हैं, उसको याद करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा प्रत्येक कोई भी इवेंट आप करें। तो फिलहाल दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज मैदान के अंदर पहुँच चुके हैं, और दोनों की कटकाठी लगभग सेम है, लेकिन पीछे जो बल्लेबाज है रोहित थोड़ा सी हैवी शरीर के हैं, यानी कि अंकाशा गुरु सिंधे की याद दिला देते हैं श्रीलंका के खिलाड़ियों की। अब ये खास देखना है कि बल्लेबाजी किस तरीके से होगी। शॉर्ट गेंद का ये मैच है, शॉर्ट बॉल से ये मुकाबला होगा। तो फिलहाल पहला ओवर की पहली गेंद जाती हुई वेलकम होता हुआ मैच का। ये पहली गेंद अच्छी उछाल के साथ थी, गेंद हालांकि गई है कुछ गली के रीजन में, देहरादून डिफेंस एकेडमी का, जैसा कि आप ऐड देख पा रहे हैं। गेंद अच्छा था पिछला बॉल। तो ये दोनों टीमों का आप देख सकते हैं, दोनों टीमों में कौन कौन से खिलाड़ी खेल रहे हैं। दोनों बहुत ही बेहतरीन टीमें हैं, और निस्संदेह है, मुझे लगता है कि कोविड के बाद जैसे जैसे अपने घरों से बाहर निकले, तो इस शानदार आयोजन के लिए आयोजन समिति का भी विशेष तौर पर धन्यवाद देना चाहते हैं। शॉट खेला जरूर है, यहाँ पे अपील हो चुकी और बाहर जाना होगा, कुछ कर नहीं पाए। अंपायर से सवाल पूछा, अंपायर ने जवाब हाँ में दिया, उंगली खड़ी की, निराश कदमों से फिलहाल वापस जाना होगा बल्लेबाज को। अबू रावत थे बैट्समैन, हालांकि ज़्यादा दुखी लगने नहीं, जो फेस एक्सप्रेशन है उनके ज़्यादा लगने नहीं वो दुखी, क्योंकि फनी मैच है, यानी कि फ्रेंडली मैच है, लेकिन तब भी मुझे लगता है कि जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे इनकी सीरियसनेस जरूर देखने को मिलेगी हमें। और देखिए कई क्रिकेटर्स होते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हालांकि बहुत सीरियस होकर खेलते हैं, लेकिन शुरुआत में थोड़ी सी हंसी मजाक चलती है, और प्रत्येक खेल का यही नियम होता है कि हंसी मजाक चलती रहनी चाहिए। और यहाँ पे देख सकते हैं रोहित के लिए बॉल है, फुल लेंथ का बॉल, शॉट अच्छा खेला, पीछे खिलाड़ी है नहीं और गेंद गई है फिलहाल पिंटू एफ शानदार चार रन के लिए, बढ़िया शॉट बेहतरीन। तो लगातार बाउंड्री भी यहाँ पे हमने देख ली है, पहली बाउंड्री बड़ी अच्छी तरीके से आए, मजा आ रहा है कुल मिला के मैच को देखने में। और यहाँ पे निश्चित रूप से गेंदबाजों ने अपना पहला विकेट तो ले लिया है, लेकिन यही काफी नहीं है पहला विकेट लेना, अभी काफी विकेट बाकी है। रोहित एक बार फिर से है, लेफ्ट आर्म से बॉल हुई है, क्या है अपील तो फिर से होती भी, और देखिए खिलाड़ियों की खुशी बता रही है कि रोहित को जाना होगा बाहर। पंडित सबसे ज्यादा खुश नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे लीजिए साहब से जाते हुए वापस एक बाउंड्री जरूर मार देती, थोड़ा सी ये भी ना खुश लग रहे हैं, लेकिन अंपायर का काम किसी खिलाड़ी विशेष को खुश करना तो है नहीं,
गेंद आपकी बार देखे उछलते हुए गेंद को रोकने का प्रयास जरूर किया, लेकिन सॉफ्ट बॉल है विशाल। ये बॉल बेहतरीन, ये कहां गई कहां गई, गेंद थी स्लॉट में और पहुंची सीधा प्लॉट में। बढ़िया शॉट, बहुत ही लाजवाब। छह रन यहां पे आए और पिंटू, ऐसा लगता है कि पिंटू बिल्कुल उस गेंद को ढूंढने जा रहे हैं। हाथ में मोबाइल भी है विशाल, बिल्कुल सकलेन मुस्ताक की तरह गेंदबाजी का एक्शन उनका। ये शॉट अभी देखिए दोबारा देखने को मिल रहा है और छह रन, बाकी लाजवाब शॉट था, शॉट तो बहुत ही बेहतरीन था, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं। आप अलग अलग एंगल, नो बॉल का आ रहा है इशारा फिलहाल, नो बॉल का इशारा है भाई साहब, आसमान से टपके और खजूर में अटके, जश्न किस बात का है भाई साहब, ये तो दिवाली में पटाखे लाए और पटाखे बाल्टी में निकल गए पानी की, फिर जश्न किस बात का, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं, अगली बॉल डालनी होगी, फ्री टाइम है यहाँ पर फिलहाल। ये बॉल कुछ गति के साथ बढ़िया बॉल स्लॉट में डाली, ये भी पहुंची है बाहर, इधर अंपायर का इशारा, छह रन का था वह बेहतरीन, कुछ आगे गेंद को कराया था, बल्ले के मुंह पे गेंद को डाल दिया था, यानी कि यूं कहे ना कि शेर की पूंछ पे आग लगा के हाथ उसके मुंह में डाल दिया, अब वो तो काटेगा ही, प्यार करने से रहा, ये देख सकते हैं बिल्कुल आगे गेंद को कराया, ऑफ स्टंप के बाहर था बॉल, वहीं से लपेट के ले गए और छह रन, निश्चित तौर पर छक्का आएगा यहाँ पे। राउंड द स्टिक आए हैं सारस्वत फिलहाल गेंदबाजी करने के लिए, गेंद धीमा है सही पोजीशन पे, आसान होता नहीं ये शॉट, और क्रिकेट में आसान होता क्या है, बड़ा सवाल ये है जनाब। और यहाँ पे भी छह रन बटोरे हैं, लगता है इस मैच में ना सिंगल डबल की है नहीं, बस चौके और छक्कों में ही डील होती हुई, कुछ करना होगा क्योंकि विकेट है मात्र दो अभी आउट हुई हैं, अभी और विकेट चाहिए, क्योंकि ये वो बैट्समैन है जो अंतिम समय तक रुकेंगे नहीं, रन करते हुए रहेंगे, और आपको यही कोशिश करनी है कि बैट्समैन को कम से कम रन बनाने का अवसर दें। यहाँ पे देखिए चोट का भय तो है नहीं, सॉफ्ट बॉल है और बैट्समैन ऐसा लगता है कि पूरी प्री प्लान करके आए हैं, कहते हैं ना डगआउट से ही आप सेट होके आए हैं, एक मीटिंग भी यहाँ पे बैठाई है, ड्रिंक्स ब्रेक है और सोचते हुए कि क्या कुछ करें, अभी तक पांच गेंदबाजों का फिलहाल इस्तेमाल किया है, पांच में से मात्र दो अरविंद भारद्वाज और संजय भंडारी की बात करें तो वही दो ऐसे बॉलर हैं जिनको कि विकेट की सफलता प्राप्त हुई, शेष जो गेंदबाज हैं उनको अभी तक अपेक्षा की सफलता प्राप्त हुई नहीं है, रोहित चौहान आउट होके जा चुके हैं, रोहित चौहान, अच्छा ये साझेदारियाँ हैं अब्बू रावत, अंकित नेगी, बैटिंग तो है अभी नीचे तक, बल्लेबाजी है टीम में, लेकिन खैर ड्रिंक्स के बाद देखना, एक्चुअली जो ड्रिंक्स होती है वो भी अपने आप में स्ट्रेटजी बनाने के लिए एक ब्रेक होता है, अब ये देखना है कि ड्रिंक के बाद, यानी कि आठ ओवर कम्प्लीट हो चुके हैं, इसके बाद क्या कुछ होता है ये देखने वाली बात रहेगी। रमन सैली को देख सकते हैं आप, एक फ्रेंडली नेचर यहाँ पे उनका, ये है रूहान भारद्वाज, आप निस्संदेह किसी परिचय के मोहताज नहीं है रूहान भारद्वाज, लेकिन आप एक बार पुनः इस शॉट को देख सकते हैं कितने कमाल का, भाई मेरा तो ये फेवरेट शॉट होता है हमेशा हमेशा की तरह, लेकिन यहाँ पे बात करूँ मैं रमन सैली की, अक्षय पुरोहित की और साथ में नितेश बलोनी की, तो वाकई उनका जो ये उन्होंने ये प्रयास किया है, जो इनिशिएटिव लिया है, उसके लिए बहुत बहुत बधाइयाँ हम उन्हें देंगे, और समय समय पर इस प्रकार के प्रोग्राम होने चाहिए, वाकई जो आर्टिस्ट हैं वो भी अपने आप में क्रिकेटर हैं और क्रिकेटर हैं वो भी अपने आप में आर्टिस्ट हैं, यानी कि यूँ कहा जाए कि जो रंगमंच है और जो खेल का मंच है दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये बॉल अब की बार ये तो जड़ पे कराने का प्रयास था, आगे स्टंपों पे डाला था, गेंद भी कहाँ भाई इतनी ऊँची है कि अगर आसमान में एरोप्लेन हो तो ये बॉल एरोस्टिक्स की किस करके नीचे आ जाए, बढ़िया शॉट, ऊँचा शॉट यहाँ पे देखने को मिला। पिंटू जी फिर से नजर आ रहे हैं हमें, पिंटू जी हाँ, गढ़वाली उत्पादों को आप, उत्तराखंड के उत्पादों को आप भारतवर्ष में कहीं भी पा सकते हैं, मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन ऐप है ये, और ये बिल्कुल उसी तरह है काम कर रहा है जिस प्रकार से आपके अन्य शॉपिंग ऐप करते हैं। फिलहाल पहाड़ी टाइगर्स का जो स्कोर 88 रन दो खिलाड़ियों के नुकसान पे, लेकिन रन लगातार बनते हुए बेहतरीन रन फिलहाल यहाँ पे देखने को मिलते हुए। पिज़्ज़ा इटालिया, पिज़्ज़ा के शौकीन हैं आप तो पिज़्ज़ा इटालिया एक विश्वास पात्र नाम आपके बीच, और आज कल कौन शौकीन नहीं है, शादी हो पार्टी हो और जन्मदिन का उत्सव आपको मनाने हो, आप खुशी में हो गम में हो, बस पिज़्ज़ा मंगा लीजिए। ये गेंद थोड़ा शॉर्ट लाइन का बॉल डालने का प्रयास किया यहाँ पे, ये देखिए जश्न तो मन रहा है, इसका मतलब अंपायर ने बिल्कुल आउट दिया है, देखे विकेट निकली है, जिस विकेट की तलाश, देहरादून डिफेंस अकेडमी, क्या बेहतरीन विकेट निकली, बिल्कुल राइट टाइम पे निकली है ये। और ये सारस्वत अनिल चंदोला फिलहाल गेंदबाजी के लिए, बल्लेबाजी के लिए आए हैं, गेंद अच्छा था, ये देखिए भाई अनिल चंदोला भी अब बिल्कुल अपने मूड में है, और ये देखिए मूड क्या बताता उनका,
बढ़िया शॉट भाई, आ तो रनों की बारिश हो रही है, बारिश भी नहीं हूँ कहूँ कि मूसलाधार बारिश है, मज़ा आ गया। और इनिंग का ये लास्ट ओवर है फिलहाल, लास्ट ओवर भी क्या यूँ मान के चलें कि कुछ ही बॉल बाकी हैं और इन कुछ बॉल में देखना है क्या कुछ होता है, लेकिन ये अच्छी चीज़ है। तो 127 रन बनाए हैं पहाड़ी टाइगर्स ने और माउंटेन लॉयंस को 128 रन की चुनौती दी है। अब देखना है कि मैच तो वही 15 ओवर का है, सेकंड इनिंग में होता क्या, सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है सेकंड इनिंग, उसमें एक्चुअली मैच का परिणाम छुपा हुआ रहता है। और देखिए हमारे खिलाड़ी आ चुके हैं मैदान में, नियो फर्स्टमान ये स्ट्राइक पे होंगे और पीछे से हमें रोहित नज़र आ रहे हैं, जबकि यहाँ से कबिलाश गेंदबाजी कर रहे हैं। ये अच्छा गेंद, फुल टॉस बना के गेंद को खेला, ये क्या हो रहा है, जी 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 नी, ओहो कुछ तो हुआ है लेकिन कुछ नहीं हो पाया। नियो फर्स्टमान बिल्कुल बचे हैं, रनआउट का खतरा जरूर था लेकिन जैसे तैसे वो खतरा टला। अगला बॉल डालने के लिए तैयार है कबिलाश, लास लूजनर की तरह उछल रहे हैं, थोड़ा ग्लांस करने का प्रयास किया था लेकिन लेग स्टंप को छोड़ दी हुई बॉल, वाइट बॉल का इशारा। सीमित ओवरों के खेल में वाइट बॉल का बहुत महत्व है, आपको ये बॉल तो दोबारा डालनी पड़ेगी, एवज में रन भी आपको मिल गया एक, तो थोड़ा सा लेग स्टंप के कॉरिडोर में ना जाएं गेंदबाज। ये देखिए गए नहीं, स्टंप पे गए, कैच हो सकता था, लेकिन वो आजकल एक कहावत है ना कि पता नहीं कौन सा नशा करता है, कैच जब भी आता है हमेशा छोड़ा करता है, तो मौका था वहाँ पे, मौका बन सकता है, मौके बनाने होंगे, बैट्समैन आपको खुद मौके नहीं देंगे, आपको बनाने पड़ेंगे मौके। कबिलाश ने थोड़ा शॉर्ट लेंथ का बॉल किया और यहाँ पे थोड़ा फाइंड में गई गेंद, हाना 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 और उसके बीच परफेक्ट तरीके से ना हुई है, रन तो फिलहाल मिलेगा। तो यहाँ पे बल्लेबाज अपने हाथों को कुछ मजबूत करते हुए कबिलाश ने अच्छी गेंदबाजी करे, मेहनत अच्छी कर रहे हो गेंदबाजी में, कबिलाश ने ओवर द स्टिक गेंदबाजी करेंगे। ये फुल टॉस गेंद, खराब बॉल था, नो बॉल, बीमर का नो बॉल दिया है यहाँ पे अंपायर ने, कमर की ऊंचाई तक की फुल टॉस थी, विकेट कीपर के पास बॉल और रन हालांकि नो बॉल के तौर पे तो आएगा। कबिलाश ये आप दोबारा देख सकते हैं, ये गेंद को बैट्समैन खेलेगा कैसे है, इसलिए इसे नो बॉल भी हो गई, हाल हाफ हेलीकॉप्टर शॉट था, प्रैक्टिस पिचेस हैं वहाँ पे, गेंद पीछा करती हुई लेकिन गेंद जाएगी सीधा एडवर्टाइजमेंट बोर्ड के ऊपर, रन मिल जाएंगे, दर्शक दीर्घा में भी उत्साह पूरा है, हालांकि कोई किसी टीम का समर्थक है, कोई किसी टीम का समर्थक है, लेकिन वास्तविक तौर पर अगर देखा जाए तो समर्थक क्रिकेट के हैं यहाँ पे, जो जिस लेवल का मुकाबला है बिल्कुल। रोहित आए हैं हम गेंदबाजी करने के लिए, स्पिन है, बड़ी शॉट के लिए हवा में डील हो गई है और ये गेंद निकल रही है 6 रन के लिए। हवा में डील आसान होता नहीं, मैदान के लंबा एरिया चुनाव की बार, वो भी ऑफ साइड का, ऑन साइड में तो हालांकि कुछ आसान हो जाती है, थोड़ा क्रॉस फैक्टर के साथ खेल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गेंद को ऑफ साइड में खेला लॉन्ग ऑफ के रीजन में। ये गेंद को स्लोवर आया, बल्ला अच्छा चलाया, फील्डर मौजूद थे लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाए, दो चेतनरक्षक थे, डीप में भी थे, शॉट में भी थे, लेकिन गेंद मिड विकेट के रीजन में गई और 4 रन यहाँ पे। एक बार बॉल निकल गई ना तो फिर निकल गई, तो फिलहाल एक बार पुनः गेंदबाजी करने के लिए, ये आप देख सकते हैं शॉट खेला जरूर है, रन हालांकि नहीं उस गेंद के ऊपर। अगला बॉल, ये गेंद थोड़ा एंगल बनाता हुआ, फिर से वही दिशा चुनी है जो सबसे मुश्किल थी, और देखिए मैं कह रहा हूँ कि बैट्समैन बिल्कुल मुश्किल दिशा को चुनते हुए 4 रन, और होना भी चाहिए। बलूनी क्लासेस आप देख सकते हैं, जिनका कि बहुत सुंदर मैदान है और एक ख्याति प्राप्त है उत्तराखंड और जो हमारा उत्तर भारत का क्षेत्र है, यहाँ पे बलूनी क्लासेस का एक वर्चस्व है, साथ में देहरादून डिफेंस अकेडमी का भी विशेष तौर पर हम धन्यवाद यहाँ पर देते हैं। ये गेंद शॉट अच्छा खेला है और इधर गेंद निकली है, यहाँ पे बाउंड्री तो होगी, जी हाँ 4 रन है, शॉट अच्छा, बहुत बढ़िया तरीके से ऑन साइड में आपकी बात शॉट था, मैदान का लंबा एरिया है लॉन्ग ऑफ और लॉन्ग ऑन, लेकिन लॉन्ग ऑन की तुलना में लॉन्ग ऑफ पे शॉट खेलना बल्लेबाज के लिए कुछ मुश्किल है, विकेट कीपर को तो पता नहीं लगा गेंद कब गई कब आई। तैयार है पूरे तरीके से, ये है अरविंद भारद्वाज, हल्का सा ओपन चेस्ट है उनका बल्लेबाजी करने के लिए, पैर को बिल्कुल स्टंपों के सामने ले आए हैं,
बढ़िया, यानी कि जब भी आप देखें बैट्समैन पैर को इस तरीके से स्टंपों के सामने लाएगा तो वो ऑन साइड में शॉट खेलने वाला है, ऑन साइड का अच्छा प्लेयर है, यानी कि जो विकेट का इम्पैक्ट है वो उसका शरीर का इम्पैक्ट बन जाता है। ये देखिए फिर से आपकी बार तो लगभग लगभग ऑफ स्टंप की तरफ ले आए थे और बढ़िया शॉट भाई, लगातार कहते हैं ना माही मार रहा है, यहाँ पे अरविंद मार रहा है और मार क्या रहा, गेंदबाज को मार कमरा घसीट जाता रहा है। अंकित की ये बॉल फुल टॉस बन गया, पैर को फोल्ड किया, आसान शॉट था, जिस प्रकार से वो बिल्कुल स्टंपों को कवर करते हुए शॉट को खेल रहे हैं, लाजवाब लाजवाब भाई बल्लेबाजी। मुझे लगता है कि जो स्कोर दिया 128 रन का वो बिल्कुल छोटा साबित होते हुए नजर आ रहा है मुझे, जिस प्रकार से अरविंद भारद्वाज बल्लेबाजी कर रहे हैं। लीजिए 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 लीजिए, हाथों में आई है गेंद यहाँ पे और अंपायर की भी मिली है स्वीकृति, अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे लेकिन अंत समय अपना विकेट गंवाना पड़ा। एक कहावत भी है कि क्रिकेट, जब भी जिंदगी में क्रिकेट के मैच होते हैं हमेशा छक्के के चक्कर में ही कैच होते हैं, और यहाँ पे यही चीज़ देखने को मिली कि एक बढ़िया शॉट तो था कुछ हद तक लेकिन बल्ले के बीच में नहीं, स्टिकर एंड पे जाके गेंद लगी थी और फील्डिंग भी काफी अच्छी थी, कैच भी बहुत बढ़िया था, जैसे उनको खुद भी विश्वास नहीं था कि ये कैच हो चुका है। बॉल ये गेंद रुहान है मुझे लग रहा है बल्लेबाजी के लिए, हुआ क्या अब यहाँ पे रोहित की समझ में नहीं आया कि पहले गेंद को पकड़े या चश्मा पकड़े, और फिलहाल उसी यादव की विकेट एक और मिल चुका है। भारद्वाज जाना होगा वापस, शॉट अच्छा है ऑन साइड में, स्क्वायर लेग के रीजन में खिलाड़ी मौजूद है नहीं साहब, वहीं से बाहर जाने का रास्ता भी है और 4 रन, अच्छा शॉट, बाउंड्रीज लगाता चौके लगाता रहते हुए। एक बार पुनः हम धन्यवाद देते हैं और पीछे इटालिक्स देहरादून डिफेंस एकेडमी सोशल बलूनी पब्लिक स्कूल पिंटू पहाड़ के उत्पादों को आपके द्वार तक पहुँचाया, आप हिंदुस्तान में कहीं भी रहते हो और टट्स का विशेष तौर पे हम धन्यवाद देते हैं। आप चारों ओर होल्डिंग और बैनर्स भी देख सकते हैं, तो विशेष तौर पे पहाड़ी उत्पादों को गढ़वाल की एक प्रकार से ये एम्बेसडर हैं, ये जो भी हमें देखने को मिल रहे हैं चाहे संगीत के क्षेत्र में हो या उत्पाद के क्षेत्र में, हमें बहुत बढ़िया कंसेप्ट यहाँ पर देखने को मिल रहा है, आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं पहाड़ के उत्कृष्ट उत्पाद सीधे आपके द्वार पिंटू। तो मुझे लगता है आप इसे केवल देखें ना बल्कि इसे ऑर्डर भी कर लीजिए, कम से कम चेक करने के लिए तो ऑर्डर दीजिए। तो दीपक है गेंदबाजी के आक्रमण पे, गति थी एंगल देना चाहते थे गेंद में, आपकी बारी है, गेंद इस प्रकार से डालेंगे तो इन कटर जरूर निकलेगा, इनका कटर बॉल निकलेगा। तो पिंटू ऐप को आप डाउनलोड कीजिएगा जो कि आपकी मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड होगा, और ऑर्डर जरूर दीजिएगा पहाड़ी उत्पाद। पहले आप आमतौर पर हम देखते थे कि पहाड़ी उत्पाद हम यूज़ तो करना चाहते थे लेकिन हमें एक ऐसा मंच नहीं मिलता था, कोई साधन नहीं मिलता था कि हम कहाँ से उसे मंगवा लें, लेकिन मुझे लगता है कि अगर आप पहाड़ी चीज़ों के उत्पाद को अपने पास चाहते हैं तो फिर आपके पास एक बहुत अच्छा माध्यम है और वो है पिंटू। जी हाँ, तो ज़रूर आप इसे न केवल डाउनलोड कीजिए बल्कि डाउनलोड करवाइए भी, और सेवा का अवसर जरूर है, पिंटू जल्द आएगा आपके घर। ओवर 5 विकेट में गिर चुकी है 87 रन, ये 11वां ओवर है प्रगति पे। ये गेंद शॉर्ट लेंथ का बॉल बहुत ज़्यादा कर लिया है, छोटा गेंद जाएगी हवा में, 24 बॉल 32 रन, तो फिलहाल मैच कुछ करीब आता हुआ। ये अच्छी शॉट बहुत बेहतरीन, लेकिन मुझे लगता है कि फील्डर की पहुंच में तो है नहीं, अगला बॉल डालने के लिए तैयार है। बढ़िया, थोड़ा इंतज़ार किया, ये शॉट अच्छा था, थोड़ा वेट किया गेंद को आने का और दर्शक दीर्घा में भेज दिया बॉल को। यहाँ पे उत्साह अपने चरम पे, अपनी प्रकाष्ठा को पार करता हुआ, और आर्टिस्ट हैं तो नाचेंगे भी, सीटियाँ बजती भी अपने नृत्य के अंदाज में, डांसिंग फॉर्म में। तो ये शॉट ने इसकी तो बड़ी तारीफ करनी होगी भाई, थोड़ा इंतज़ार किया है शॉट को खेलने का, रन यहाँ पे आएगा जरूर, रन तो आ रहे हैं इसमें कोई दूराई नहीं, 16 गेंद 22 रन फिलहाल। हल्के से हम रमन का भी फेस देख सकते हैं बैक पोजिशन से, तो एक ऐसी पर्सनैलिटी आप दूर से ही पहचान लोगे कि ये रमन शैली है। तो बिल्कुल मिथिन मुकाबला नज़दीक है, हालांकि
किसी भी पक्ष में जाए मुकाबला, लेकिन परिणाम आने के बिल्कुल नजदीक है मुकाबला। कबीला असर राउंड दृष्टि का, ये सही काम क्यों ना राउंड दृष्टि का है। हालांकि मुझे लग रहा है कि परिणाम तो वही होगा, 6 रन संभव तो यहाँ पे देखने को मिलते हुए, अगर मैं गलत नहीं हूँ। जी हाँ बिल्कुल नहीं हूँ गलत, राउंड दृष्टि का है। मुझे लगता है कि ये डिसीजन सही है उनका, क्योंकि आपकी ओवर की लिमिट बहुत कम है, तो आ जाइए आप राउंड द स्टिक भी आ जाइए गेंदबाजी करने के लिए। और यहाँ पे तो जैसे कि पूर्वानुमान हो चुका है कि हमारी टीम मैच जीतेगी, यानी कि माउंटेन लॉयन। अब 12 बॉल 7 रन, गेंद ज़्यादा रन कम, ये तो बनते हैं रन। लेकिन फिलहाल क्रिकेट तो है ही अनिश्चितताओं का खेल, कभी भी कुछ भी पॉसिबल। लेकिन फिलहाल कमज़ोर दिल वाले तो इस मुकाबले को देखें ना, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक रणनीति जरूर बन रही हुई, बैट्समैन एक दूसरे को समझाते हुए कि क्या करना क्या नहीं करना, क्योंकि मैच के बाद जो फुल स्टॉप लगता है ना विन के बाद, जब तक वो फुल स्टॉप नहीं लगा तब तक जीतने वाला जीता नहीं है और हारने वाला हारा नहीं है। तो देखें आगे की ओवर्स में क्या कुछ होता है। फिलहाल यहाँ पर फील्डिंग मनीष लगा रहे हैं कि कहाँ से गेंद की जाए और कहाँ पर अपने क्षेत्र रक्षकों को फिलहाल रखा जाए। जी हाँ सामने बैट्समैन तैयार है, टेंशन तो उसके दिमाग में भी होगी क्योंकि फिनिशिंग टच देना इतना आसान होता नहीं है, लेकिन करना तो होगा, किसी ना किसी को तो ये रोल प्ले करना होगा। ये बॉल 19 नंबर की जर्सी लगाए हुए, ये गेंद ऑफ स्टंप के कुछ बाहर, और इस कंडीशन में इस प्रकार की बाउंड्रीज को देना कतई ही न्यायोचित नहीं है। और जैसे कि मैं कह रहा था कि इन्होंने तो पूर्वानुमान पहले ही लगा लिया सारस्वत, सबसे ज़्यादा आज कैमरे ने इसी खिलाड़ी को फोकस किया है, पंडित सारस्वत सारस्वत। तो अगला गेंद डालने के लिए तैयार है। अच्छा ये तो दिखा रहे हैं पिछला रिप्ले, इसको देखिए आप, शॉट अच्छा था, ज़्यादा उछाल नहीं थी बॉल पे। अब टोटल कैलकुलेशन ये है कि 11 बॉल पे 3 रन, और ये बड़ी अच्छी बात है कि अभी भी वो टेंस में है, अभी भी उन्होंने गेम को छोड़ा नहीं है। लेकिन क्या रुकेंगे क्या रुकेंगे, जी नहीं रुके जी, मुकाबला तो फिलहाल कर लिया है अपने नाम यहाँ पे माउंटेन्स लॉयन ने, 6 रन के साथ ये मुकाबला है। इसे कहते हैं जीत नहीं बल्कि शानदार तरीके से जीत। आपको इस बेहतरीन शाम में, और मैं सबसे पहले अनुरोध करूंगा कि दोनों ही टीमें कृपया पंक्तिबद्ध हो जाएं। दोनों ही टीमें कृपया पंक्तिबद्ध हो जाएं। दोनों ही टीमें कृपया पंक्तिबद्ध हो जाएं। बहुत बेहतरीन मैच रहा आज, और वाकई हेलो, तो दोनों ही टीमों ने बहुत बेहतरीन खेला, और मुझे तो जैसा लग रहा था कि आमतौर पे एक बैटरी भरा मैच होता है, लेकिन उसके बावजूद जिस प्रकार से आप लोगों ने यहाँ पे क्रिकेट दिखाई है, वाकई आप आर्टिस्ट लोग जरूर हैं, लेकिन आपने ये प्रूफ कर दिया कि आपके अंदर भी एक खिलाड़ी है। तो मैं चाहूँगा एक बार आप लोग अपने लिए जोरदार तालियाँ बजा लें, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन रहा दोनों टीमों के बीच जो नेट टू नेट फाइट चली है। और हालांकि एक टीम को जीतना एक टीम को हारना है, ये तो प्रकृति का नियम ही है, और कोई जीता कोई हारा, लेकिन वास्तविक रूप से आज जो मैदान के अंदर घटा उससे एक बार पता गई है कि आज असली जीत क्रिकेट की हुई है। तो मैं आप सभी लोगों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं, और क्योंकि वर्ष भर तो हमारा काम ही है क्रिकेट को प्रमोट करना, तो मैं तो यहां पे अक्षय और रमन और बलूनी जी को भी ये कहूंगा कि समय समय पर अगर इस प्रकार के क्रिकेट होते रहें, जैसे कि मैं एज ए कमेंट्री के दौरान बोल भी रहा था सचिन से कि हम काफ़ी कॉर्पोरेट्स करते थे, लेकिन एक बार जब कोरोना स्टार्ट हुआ तो पूरे क्रिकेट पूरी तरीके से बंद हो गई। तो वहाँ पर जितने भी हम चाहे ऑल इंडिया के टूर्नामेंट्स करें या फिर स्टेट लेवल के टूर्नामेंट्स करें, रणजी के टूर्नामेंट करें, लेकिन वाकई असली मजा अगर हमें कोई आता था कॉर्पोरेट्स के मैचेस में आता था। तो आप सभी आप जो सेलिब्रिटीज़ यहाँ पर क्रिकेट खेल रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने बहुत बढ़िया क्रिकेट खेली है। और यहाँ पे सबसे पहले मैं उन प्लेयर्स का, पहाड़ी टाइगर्स जो टीम है जो उपविजेता रही यहाँ पे, उसके जो प्लेयर्स हैं उनका विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। तो इस प्रकार से उनके नाम हैं अबू रावत, और तालियां हो जाए अबू रावत जी के लिए। और इसके अलावा अच्छा मेडल्स भी है ना आपके लिए, हाँ जी हाँ, प्ले अबू रावत जी से अनुरोध करूँगा, प्रियंका जी आप मेडल्स उनको प्रदान करें। बिल्कुल अच्छा नीतीश, अबू रावत इधर आ जाइए आप, बहुत बढ़िया। अनिल चंदोला, अनिल चंदोला बेसिकली मीडिया से हैं,
बात अंकित नेगी, बहुत ही बेहतरीन। अविनाश भारद्वाज, अच्छा जी, दीपक मेहर, दीपक मेहर, कविलाश नेगी, मनीष नेगी, रोहित चौहान, ये दोनों टीमों में सबसे दुबले पतले इंसान हैं। रोहित डुगलान, सोहन चौहान, सोहन चौहान का नाम लेते ही माइक चलने लग गया। सूरज, सूरज कैप्टन, सूरज, तुषार डिमरी, ऑल्डन, माउंटेन लॉयंस के खिलाड़ी इस प्रकार से हैं, अविनाश, अवनीश चमोली, नियो फर्सवान, पंकज सती, प्रदीप कुमार, प्रदीप कुमार, रोहान भारद्वाज, संजय भंडारी, संजय भंडारी, सारस्वत जय पंडित, आज मैदान पे सबसे बेहतरीन छाए रही है खिलाड़ी, विजय नेगी, विराट सिंह, विराट सिंह, विशाल शर्मा, विशाल शर्मा, टीम के कप्तान अरविंद भारद्वाज, ये चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा है। हेलो, 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 यूं तो सारे प्लेयर्स ने बहुत अच्छा खेला, लेकिन हमारे पास एक ही प्लेयर के लिए मैन ऑफ द मैच है, तो वो है अवनीश चमोली, 24 runs 14 balls में, और दो छक्के और एक चौका, और तीन ओवर इन्होंने डाले और 8 run देकर 2 wickets लिए, तो जोरदार तालियां अवनीश के लिए। हाँ प्रियंका, और आई विल रिक्वेस्ट प्रियंका मेहर टू अवार्ड अवनीश चमोली, जोरदार तालियां अवनीश के लिए एक बार। जब भी अवनीश आ जाओ भाई, हेलो अवनीश, पहला मैच था आपके लिए या फिर एक यूनिक कॉन्सेप्ट था आर्टिस्ट क्रिकेट लीग, आर्टिस्ट के साथ आपको खेलने का मौका मिला, तो कैसे देखते हैं इस इनिशिएटिव को और कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा ग्राउंड पे, आपका और सारे प्लेयर्स का? सबसे पहले मैं आप जो ऑर्गेनाइज़र लोग हैं उनका धन्यवाद करूंगा, क्योंकि इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती नहीं है, और इतने सारे आर्टिस्ट सेलिब्रिटीज़ लोग हैं, मैं तो मुझे लगता है सबसे नीचे हूं, तो मुझे इन सब से मिलने का मौका मिला और लोगों को भी जानने का मौका मिला, बहुत थैंक यू, और मुझे भी चांस मिला, थैंक यू। और जो जो सबकी रिक्वेस्ट थी, 2 lines तो होनी चाहिए फिर। मैं कहता हूँ दोनों टीम ने बहुत अच्छी स्पीड से खेला है, प्रैक्टिस भी बड़ा अच्छा किया, सारे लोगों ने बड़ा अच्छा एफर्ट लगाया, अपोजिट टीम जो हारी है उनको
अपोजिट टीम जो हारी है उन लोगों ने लगभग लास्ट के दो ओवर तक वो जीत में थे, उसके अलावा जो हैं और सारे टीम मेंबर स्टाफ जो हैं हमारे कोचेज जो हैं कैप्टन जो हैं उन सब की वजह से, और थैंक यू सो मच सर। थैंक यू अवनीश। जी हाँ, मैं जब भी क्रिकेट की बात करता हूँ और शायद शाश्वत और सूरज भाई ने जब इनिशिएट करा था ये कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, तो जब भी क्रिकेट की बात होती है तो एक ही आदमी मेरे जहन में आता है, वो है उपेंद्र पवार जी। जोरदार, बचपन से मैं कहता हूँ कि बचपन से, मैं शायद उस समय 14-15 साल का था, तब से हम भैया को सुनते हुए आए हैं। और वो एक बहुत छोटा सा ग्राउंड गौचर का, बहुत बड़ा ग्राउंड है लेकिन बहुत छोटी सी जगह है जहाँ से हम भैया की आवाज़ सुनते थे, लेकिन वो एक आवाज़ थी जो गौचर से निकलती थी और क्रिकेट के लगभग हर प्रेमी तक वो आवाज़ पहुँचती थी। तो बहुत बहुत धन्यवाद भैया का, और मैं शिल्पा मैम से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप उनको फेलिसिटेट करें। थैंक यू शिल्पा मैम। और जब हम सब इस एक इनिशिएटिव से जुड़े हैं जो क्रिकेट का है, तो मेरे हिसाब से जो विनर की ट्रॉफी है वो भी एक ऐसे, मनीष जो हमारे दोनों निर्णायक की भूमिका में थे, अनुज और मनीष, मैं भैया से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि दोनों को आप मेडल देकर सम्मानित करें। क्रिकेट एक ऐसा खेल है जिसमें सबसे ज़्यादा जो परेशानियां होती हैं वो अंपायर से ही होती हैं। दोनों ने इस कम उम्र में बहुत अच्छी तरीके से हमारे इस मैच को एक अच्छा रूप दिया, मैं दोनों का धन्यवाद करता हूं। और हमारी जो विनर टीम है माउंटेन लायन, पहले उनके लिए ज़ोरदार तालियां। और क्योंकि आप क्रिकेट जीते हैं तो ट्रॉफी भी उनके हाथों मिलनी चाहिए जो क्रिकेट में, मतलब ग्राउंड में खाते हैं, ग्राउंड में सब कुछ करते हैं, द मैन ऑफ द ग्राउंड उपेंद्र पवार, और ये रही आपकी ट्रॉफी। मैं आई रिक्वेस्ट एंटायर टीम टू कलेक्ट दे ट्रॉफी। वो कहे आगे 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 दूसरा का और इस टीम की ओनर शिल्पा भट्ट बहुगुणा जी काफी खुश हैं इस चीज से, तो आई रिक्वेस्ट मैम टू ज्वाइन। अब दूसरा वाला कहा है, दूसरा कहा है? चेयर्स जोर से। सूरज भाई, वो कहाँ गया? बैठो। ये इसका हो गया ना, इसका डन हो गया। बंद करना। सब जाओ, सब जाओ। देहरादून डिफेंस एकेडमी से संदीप हमारे साथ हैं। संदीप ने हमारे इस इनिशिएटिव को काफ़ी सपोर्ट करा, ये ड्रेसेस उनके थ्रू हमारे पास आई हैं। संदीप, जब ये इनिशिएटिव आपके सामने आया, क्या सोच के आपने सोचा कि कुछ एक सपोर्ट करना चाहिए और खेलना भी चाहिए? जैसे कि हम कि फिजिकली भी सबसे इंसान को फिजिकली फिट होना चाहिए मेरे हिसाब से। हम देहरादून डिफेंस एकेडमी से हम बच्चों को मोटिवेट करते हैं कि बच्चे आप फिजिकली फिट रहो, मेंटली फिट रहो, है ना। तो इसीलिए हमने क्या, जब ये जब हमारे पास अरविंद भारद्वाज और सरस्वत जी हमारे पास आए, उन्होंने बोला कि हम एक इनिशिएटिव ले रहे हैं, जो जितने भी फिल्म स्टार हैं हमारे उत्तराखंड के, वो एक गेम्स के थ्रू मतलब सब एकत्रित होए और इस मतलब इस जो हमारा जो टूर्नामेंट है वो चीज़ मतलब वो चीज़ कराएँ। तो ये चीज़ मेरे को बहुत अच्छा लगा, मैंने तुरंत हाँ बोला और मैंने स्पॉन्सर भी करा इस चीज़ के लिए, और आज हमने ये टूर्नामेंट बहुत अच्छे से फिनिश भी करा। इस चीज़ से मेरे को बहुत खुशी होती है कि जीता भी, इस चीज़ से बहुत खुशी है कि लोग बहुत मतलब इनिशिएट ले रहे हैं, फिजिकली फिट हो रहे हैं, तो हम भी यही चाहते हैं। और बाकी सर, आप जो और लोग जो मैनेजमेंट की टीम है उनके लिए भी मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि उन्होंने ये अपना पूरा सपोर्ट रखा और आज ये टूर्नामेंट फिनिश करा बहुत अच्छे तरीके से।
हेलो एवरीवन, दिस इज रोहन भारद्वाज और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा यहाँ पर उत्तराखंड क्रिकेट लीग में, और जिसको कि टर्ड्स लाइफस्टाइल, पिज़्ज़ा इटालिया और पहाड़ी कनेक्ट बलूनी क्लासेस ने मिलकर करवाया। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और मुझे लगता है सारे आर्टिस्टों को बहुत मज़ा आया। ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए उत्तराखंड में। थैंक यू सो मच। माउंटेन लायंस के कैप्टन अरविंद भारद्वाज हमारे साथ हैं। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, कंग्रेचुलेशंस। बहुत अच्छा आपकी टीम ने मैच जीता और काफ़ी अच्छा खेल भावना दिखाई। एक जो पहली चीज़ मैं पूछना चाहूँगा कि जब ये चीज़ शुरू हो रही थी तब से लेकर आज आप ग्राउंड में हैं, तो कैसी ये जर्नी रही, किस तरीके से लोग जुड़े और कैसे यहाँ तक पहुँचे? मैं सबसे पहले आयोजकों को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने एक अच्छी पहल की है। अभी कोरोना चल रहा था तो सब घर में थे, मतलब हम भी रात के 2 बजे सोते थे और सुबह 10 बजे उठ रहे थे, तो मुझे सासुर ने कॉल किया, बोला एक अच्छी पहल है, तो हम भी सुबह जल्दी उठने लगे। और क्रिकेट के लिए हमारा बचपन से बहुत प्यार है, मतलब हम कह सकते हैं कीड़ा है बहुत बड़ा, तो हम दोबारा से प्रैक्टिस पाएँ। सुबह 6 बजे आते हैं हम, ठंडा लगता है वहाँ पर, मज़ा आता है। फिर सारे आर्टिस्ट आए तो सब अच्छा खेलते हैं, मतलब गाने के साथ आर्टिस्ट हैं तो इनके अंदर एक बॉडी में अच्छी लैंग्वेज है कि मतलब ये सब कुछ अच्छा खेलते हैं यहाँ, ठीक है। और मतलब बहुत अच्छा लगा मुझे प्रैक्टिस करके, और हमारे लड़कों ने बहुत जी जान से खेला यहाँ पर और प्रैक्टिस भी बहुत की। बॉयज प्लेड वेल। और जो दूसरे कैप्टन है सूरज त्रातक, मैं सूरज जी को इनवाइट करूंगा। देखिए, एक टीम हारती है एक टीम जीतती है, लेकिन एक अच्छी स्पिरिट से आप लोग खेले, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके लिए, और हम डेफिनेटली चाहेंगे कि हम लोग फिर से ऐसे फ्रेंडली मैचेस करते रहें। तो आपसे भी सेम चीज़ जानना चाहूँगा कि जब हमने ये मूवमेंट शुरू करा था कि ऐसा कुछ होने वाला है, तब से लेकर अभी तक की जर्नी कैसी रही? ये बहुत ही मतलब मज़ेदार हो गया है। मैं पिछले 1.5-2 सालों से कोशिश कर रहा हूँ कि जिम जाऊँ सुबह, तो मैं 2 सालों से जिम नहीं जा पा रहा हूँ, लेकिन जब से क्रिकेट की बात हुई है तो डेली मेरी आँखें सुबह 4 बजे से खुलनी शुरू हो जाती हैं, धीरे 4:30-4:15, फिर 5 बजे, फिर फाइनली 5:30 हम उठ जाते हैं कि खेलने जाना ही है, और वो डेली का हो गया। बहुत ही मज़ा आता है, और हम लोग जो मतलब आयोजकों ने, जो तुम जैसे मतलब जो आपने किया हमारे साथ, इनिशिएट अक्षय ने किया, क्योंकि इसको एक रूप देना, क्योंकि डेली हम तो वहाँ भी खेल रहे, लेकिन आज जो मज़ा आया, सबसे बड़ी बात है कि इतने आर्टिस्ट को एक जगह जोड़ना, वो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हर कोई बिजी है, सबके अपने में प्रायोरिटीज़ है, लेकिन सबको एक जगह पे एक जोड़ना वो बहुत बड़ी बात है। तो उसके लिए आप लोगों को सलाम और सब लोग को धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सूरज। और इस वक्त हमारे साथ शाश्वत जी पंडित, मतलब एक प्रोफेशनल क्रिकेटर भी इन्हें कह सकते हैं। एक बहुत अच्छी इवन पिच नहीं थी, उसके बाद भी बहुत अच्छी स्विंग आपकी गेंद कर रही थी, और हमारे जितने क्रिकेट एक्सपर्ट है वो भी काफ़ी मतलब खुश थे आपसे। तो मैं जानना चाहूँगा, तुक्का था या कोशिश अच्छी थी? रमन भाई, पहले तो सबसे पहले आप लोग को, जिन्होंने ऑर्गेनाइज किया टर्ट्स को, मैं शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि एक ड्रीम कम ट्रू हुआ है उत्तराखंड आर्टिस्ट के लिए, जो क्रिकेट वाली जो इंस्टिंक्ट रखते हैं उनके लिए। और थोड़ा अपने बारे में क्रिकेट की बताऊँ, मैं कॉलेज टाइम पे कॉलेज टीम से खेला करता था, और ये एक ड्रीम कम ट्रू है, और बहुत बड़ी मिसाल कायम की गई है आपके द्वारा, और पूरे जितने भी खिलाड़ी हैं जिन सबके मन में क्रिकेट के लिए प्रेम है, सुबह 6 बजे उठना और घर से आना, मतलब इट वॉज़ लाइक कि एक मुहिम थी जिसको हमने एक पहला कदम पे पहुंचाया है, और उम्मीद करता हूं कि ऐसे ही हम लोग इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पे भी सेलिब्रिटी प्रीमियर लीग खेलेंगे कभी। बिल्कुल,